वेलकम टू मोहम्मद रईस ऑफिशियल एंड फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि बेसिक स्टांस क्या होता है हॉकी में और ग्रिपिंग किस तरह से करते हैं। जो हॉकी जो होल्ड करने का जो पोजीशन होता है, मैं उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो बेसिक जो स्टांस होता है जब हम ड्रिबलिंग करते हैं, तो किस तरीके से आप नेचुरली जो आपका ना नी बैंड होना चाहिए और फॉरवर्ड आगे की तरफ आपकी ना क्या कहते हैं बॉडी का वेट होगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका यहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, और वो इस तरीके से होगा जो आपका जो एल्बो है, एल्बो से यहाँ तक, मतलब कि आपका हाथ एक्सटेंड कर रहा हुआ है, एक्सटेंड कर रहा होगा आपका हॉकी के साथ, ठीक है। और जो आपका राइट हैंड होगा वो हमेशा है ना जो ग्रिपिंग जो होती है, ये जो ग्रिप लगा हुआ है ये आपके बॉटम पे होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन में आप जाएंगे और आपकी जो आपका राइट हैंड है ये आपको सपोर्ट करेगा नीचे से, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोजीशन ले लेंगे और ये जो होता है ये बेसिक ड्रिबलिंग होती है ये। तो आपका ये, इसमें मैंने दो चीज़ आपको बता दिया कि बेसिक स्टांस क्या होता है और ग्रिपिंग क्या होती है। ये सबसे है ना बेसिक चीज़ें, अगर किसी को हॉकी सीखना है या आपको सिखाना है तो सबसे जो फर्स्ट स्टेज जो है हॉकी का वो यही है। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको फर्स्ट जो बताया आपको, मैंने बेसिक और जनरल या उसे वाइड ग्रिप भी कहते हैं। जो वाइड ग्रिप हमारा जो होता है वो मोस्टली हम क्या करते हैं, ड्रिबलिंग करने में उसे यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये जो है ये हमारा बेसिक ग्रिपिंग है और बेसिक स्टांस है, जिसकी वजह से हम ड्रिबलिंग आसान से कर पाते हैं, या फिर इसी आप हम जब हम पुश करते हैं, जब पुश करना होता है तो हमारा ये ग्रिपिंग होती है, और ठीक है इसे हम पुश करते हैं इस तरीके से, ठीक है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ डबल वी ग्रिप क्या होता है। जिस तरीके से आपको पता होगा, हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी हमें ग्रिपिंग होती है, उसमें भी है ना दो तरीके से होता है, एक ओ ग्रिप होता है और एक वी ग्रिप होता है। उसी तरीके से जब हमें हिट करना होता है बॉल पे, जब हम हिट करने के लिए पोजीशन लेंगे, तो ये इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे, ये कैमरे में मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से ये वी ग्रिप होती है, ठीक है। ये वी ग्रिप होती है, जब हम इसे एक साथ होल्ड कर लेते हैं, मतलब दोनों हाथ हमारा एक दूसरे के पास में आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल वी ग्रिप कहते हैं। जो मोस्टली जो यूज होता है वो हिट करने के लिए होता है। हम दिखा सकते हैं आपको, ये बॉल हमको दोबारा लाना होगा, हो सकता है वीडियो को पॉज करना पड़े, इस तरीके से हम ये हिट लगाते हैं, ठीक है, स्टॉप कर दो भाई। हाँ, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है डबल वी ग्रिप हम मोस्टली क्या करते हैं, हिट के लिए है ना इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये दोनों हाथ खुद ब खुद आपका, ये हाथ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हाथ हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये जो होगा हमारा ये डबल वी ग्रिप, वो हम हिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगल हैंडेड ग्रिप क्या होता है। सिंगल हैंडेड ग्रिप ये होता है कि जब हमें कोई अपोनेंट हमारा आ रहा है और हमें टैकल करना है, तो ये हाथ मोस्टली जो हॉकी का जो हॉकी प्लेयर जो होते हैं वो मोस्टली अपने हॉकी को राइट हैंड में रखते हैं, क्योंकि जब राइट हैंड में रखेंगे तो अगर इस तरीके से अगर होगा, इस पोजीशन में अगर होगा, तो जब चाहेंगे अपने आप को अपने पोजीशन में वो लेकर आ जाएंगे, ठीक है, ये वाला इस वाले पोजीशन में। तो इसलिए जो हॉकी प्लेयर जो होते हैं वो हमेशा अपने राइट हैंड में हॉकी को रखते हैं, ठीक है। तो मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ सिंगल हैंडेड ग्रिप क्या होता है। तो अगर हमें किसी को है ना टैकल करना हो या अपोनेंट के बॉल को रोकना हो, तो ये राइट हैंड में क्या कहते हैं, बॉटम ऑफ द ग्रिप जो होता है, सॉरी जो टॉप होगा, या हम इसको हैंड करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें लेफ्ट हैंड में है ना लेकर आना हॉकी को, तो इस तरीके से होगा ये वाला पोजीशन, ठीक है, ये वाला पोजीशन होगा, इस तरीके से ये वाली ग्रिप होगी, ये आपका सिंगल हैंडेड ग्रिप हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अब जो राइट हैंडेड प्लेयर होते हैं तो इस तरीके से ये इस वाला हो गया, ठीक है, बट जब हम दूसरे हैंड में चेंज करेंगे हॉकी को, तो हॉकी का पोजीशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये हमारा नीचे हो जाएगा, टूवर्ड्स द ग्राउंड हो जाएगा, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो आपका ये सिंगल हैंडेड ग्रिप हो गया। इसे अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो शॉर्ट हैंडेड क्या होता है, क्योंकि इसको मोस्टली है ना लोग है ना जब वी के अंदर होते हैं, तो आजकल पता ही आपको आर्टिफिशियल ग्रास का ग्राउंड भी आ रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंडेड जो होता है, जो हमारा जो ग्रिपिंग जो होती है, इसके बीच में जब हम दोनों हाथ से इस तरीके से होल्ड करते हैं, ठीक है, और हम इसको टैप मारते हैं इस तरीके से। जब हम टैप मारते हैं, देखिए हमारा बॉल यहाँ तक आ गया, हमने टैप का यूज़ किया था, तो इसे कहते हैं शॉर्ट हैंडेड ग्रिप। जब हम मिडिल ऑफ द ग्रिप में वी शेप में जब हम इसे होल्ड करते हैं, तो ये हमारा ग्रिपिंग हो जाता है शॉर्ट हैंडेड ग्रिप। ओके, आइए मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि आजकल बहुत ही फेमस ये टर्मिनोलॉजी है
जिसे हम टोमाहॉक भी कहते हैं। ये टोमाहॉक क्या होता है? ये टोमाहॉक जो टर्म है जो डबल हैंडेड डबल वी ग्रिप है, जिसे हम है ना रिवर्स जो शॉट खेलते हैं और उसे है ना क्या कहते हैं बैक शॉट भी कहते हैं, बैक शॉट भी कहा जाता है। जब हम इस तरीके से ये हो जाता है इस वाला पोजीशन पे आकर, और जब हम ये करते हैं ये जो हमारा जो ये हॉकी जो है ये हॉकी के इस वाले एरिया पे इस वाले फेस से जब बॉल पे अगर हम हिट करते हैं इस वाले से, और वो भी रिवर्स पोजीशन में। रिवर्स पोजीशन किस तरीके से, ये हमारा बॉल है ठीक है, ये हम बॉल लेके जा रहे हैं, ये हम बॉल लेके मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं ठीक है, और हमने बॉल को ये कर दिया और ये हमने पोजीशन अपने आप को चेंज कर लिया, और इस तरीके से फिर ये जो जाएगा ये वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं टोमाहॉक ग्रिप से हमने ये रिवर्स शॉट लेते हैं हमेशा ठीक है। रिवर्स शॉट को ही टोमाहॉक टर्मिनोलॉजी दिया गया है, FIH मतलब जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है वो अभी से टोमाहॉक वर्ड से इसे यूज़ किया जाता है ठीक है फ्रेंड। तो कुछ इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है कि बेसिक या जनरल या फिर वाइड ग्रिप किसे क्या कहते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। डबल वी ग्रिप क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट हैंडेड ग्रिप क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। और क्या कहते हैं जो सिंगल हैंडेड जो होता है ग्रिप वो भी मैंने बता दिया, दोनों हैंड से राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड का पोजीशन है। इस तरीके से हम क्या करते हैं अपोनेंट को रोकने की कोशिश करते हैं ठीक है, इस तरीके से ना बॉल को रोकते हैं। और फिर मैंने आपको बता दिया है कि टोमाहॉक ग्रिप क्या होता है। टोमाहॉक मतलब कि टोमाहॉक ग्रिप नहीं है, ये एक है ना स्किल है जो यूज़ करते हैं हम क्या कहते हैं रिवर्स हिट लेते हैं। रिवर्स हिट जब लेते हैं तो वहाँ पे जो हम उसे भी क्या कहते हैं डबल वी ग्रिप में ही होता है, दोनों हाथ एक साथ होता है एक साथ पोजीशन में लेकर आते हैं तो उसे हम हिट करते हैं, तो उसे टोमाहॉक स्किल कहा जाता है ओके फ्रेंड। तो ओवरऑल आपका ये आज का जो वीडियो था ये सेगमेंट जो था आपका स्टांस और ग्रिप को लेकर था कि ग्रिप बेसिकली है क्या हॉकी में और स्टांस क्या है। स्टांस पोजीशन को कहते हैं, आपका जो आप पोजीशन लेते हैं वही स्टांस होता है, ग्रिपिंग वही होती है। ग्रिपिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल के बेसिक चीज़ है, क्योंकि बिना ग्रिप का आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी आप गेम खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हो या लॉन टेनिस खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें ग्रिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी तरीके से हॉकी में भी ग्रिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओके। थैंक यू, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।